नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आजकल के दिनचर्या के हिसाब से पेट में गैस बनने की परेशानी होना बहुत आम बात है। आजकल छोटी उम्र के बच्चों में भी गैस की परेशानी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है पाचन तंत्र का सही से काम न करना, जो ज्यादातर लोगों में देखा गया है। इसके अलावा कुछ उल्टा सीधा खा लेने के कारण भी पेट में ज्यादा गैस बनने लगती है। गैस छोटी आंत में बनती है और ये अपच की स्थिति में होती है। साथ अगर आप सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं तो इससे भी गैस बनती है। इससे आपको सीने में जलन और पेट में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो आपको कुछ चीजों का सेवन करना बिल्कुल बंद करना होगा। बहुत से लोगों को चाय बहुत पसंद आती है, लेकिन खाली पेट में चाय पीने से आपको गैस की शिकायत हो सकती है। साथ ही अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो आपको चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा गैस बन सकती है। वहीं छोले पूरी या छोले भटूरे खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन छोले खाने से पेट में गैस बनती है। खासकर उन लोगों को छोला नहीं खाना चाहिए जिनका पाचन तंत्र धीरे काम करता है या कब्ज की समस्या रहती है। वहीं अरबी एक स्वादिष्ट सब्जी है। इसे कई तरह से पकाकर खाया जा सकता है, लेकिन इसके सेवन से पेट में गैस बनती है, क्योंकि इसकी प्रकृति वायु वर्धक होती है। इसलिए जिन लोगों के पेट में ज्यादा गैस बनती है उन्हें अरबी की सब्जी कम खानी चाहिए। वहीं इसके अलावा अगर आप सब्जी का सेवन कर भी रहे हैं तो उसके साथ आप अजवाइन का सेवन भी जरूर करें। राजमा चावल का स्वाद हमें बहुत पसंद है, लेकिन इसके सेवन से भी पेट में गैस बनती है। अगर आपको कब्ज या गैस की ज्यादा परेशानी है तो आपको राजमा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं सर्दियों में कई लोगों को फूलगोभी और शिमला मिर्च की सब्जी बहुत पसंद आती है, लेकिन ये सब्जियाँ बादी होती हैं। इसको आप आसानी से पचा नहीं सकते। ये उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जिनके पेट में ज्यादा गैस बनती है। इसके लिए फूलगोभी और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां पचाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बराबर गैस की परेशानी रहती है तो आपको ज्यादा सलाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सलाद भी एक गैस्ट्रिक फूड होता है। इसके ज्यादा सेवन से पेट में गैस की परेशानी होती है, इसलिए इसका संतुलित या कम मात्रा में ही सेवन करें। सलाद के ऊपर आप काला नमक और अजवाइन डालकर खा सकते हैं। दूध और ब्रेड के सेवन से भी गैस बनती है। अगर आपके पेट में पहले से ही ज्यादा गैस है तो गर्म दूध ना पिएं, साथ ही ब्रेड का सेवन भी ना करें। इससे ज्यादा गैस बनने की आशंका रहती है। अगर आपका मन है तो आप छाछ पी सकते हैं और उसमें जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप ज्यादा गैस बनने की स्थिति में उड़द, पालक का पत्ता, डेयरी उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक और कुछ बादी सब्जियां ना खाएं। साथ ही अपने खाने में हींग और अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।